नमस्कार दोस्तों, बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद चिराग पासवान एकदम अंधेरे में चले गए हैं। चिराग पासवान के बारे में कुछ खबर नहीं आ रही है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, क्या गतिविधियाँ उनकी चल रही हैं पार्टी की। बहरहाल वो इसी बात से संतुष्ट थे कि उनकी पार्टी ने 23 लाख वोट हासिल करने में सफलता हासिल की। भले ही उनका एक ही विधायक बन पाया, लेकिन वो इन आंकड़ों से भी खुश हैं कि उनकी वजह से 10-15 जनता दल यूनाइटेड के विधायक कम रह गए और बीजेपी नंबर वन पार्टी बनकर उभर गई। वो इस बात पर भी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी भी उनसे खुश होंगे कि भाई आपने बिहार में, आपकी वजह से हमारी पार्टी नंबर वन पार्टी बनकर उभर आई और एनडीए में अब हम छोटा भाई नहीं बड़े भाई की भूमिका में आ गए। चिराग पासवान ने एलजेपी के बैनर पर, जो उनके पिताजी की पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, अकेले चुनाव लड़ा और अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश की। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि चिराग पासवान का ये जो प्रयास है ये बहुत बहादुरी वाला है और मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की छवि से बाहर निकल कर, अब लेकिन चिराग पासवान की एनडीए में क्या पोजीशन होगी, अब बीजेपी उन्हें किस तरीके से ट्रीट करेगी, उन्हें वो पुराना सम्मान वो रुतबा मिलेगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं चिराग पासवान के लिए, क्या उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और दूसरा सवाल ये कि जो सीट उनके पिताजी के निधन से खाली हुई है राज्यसभा की और जिस पर उपचुनाव 14 दिसंबर को होने जा रहा है, इस सीट का क्या होगा, इस सीट पर किसे लड़ाया जाएगा, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक सीट ये राज्यसभा की तो थी ही उनके पिताजी की और अब ये अगर खाली होती है तो बिहार की जो पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू, बिहार की जो इकाइयां हैं वो ज़रूर ये बात कहेंगी कि हमें अब जेडीयू या बीजेपी के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना चाहिए, क्योंकि वैसे भी राज्यसभा का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से ही है कि वहाँ पर जो सीट खाली हुई है तो उस खाली हुई सीट पर अधिकतर उसी प्रदेश के लोगों का दावा बनता है जिस प्रदेश की वो खाली हो रही है और यहाँ पर तो उपचुनाव हो रहा है और ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी कायदे से इसकी हकदार है, लेकिन जो बदले हुए हालात हैं, जिस तरीके से वो अकेले चुनाव लड़े और उसके बाद सारे चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार को गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि नीतीश कुमार को मैं जेल में भिजवा दूंगा अगर एलजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनी, तो तरह तरह की बातें वो कहते रहे थे। और अब स्थिति ये बन रही है कि चिराग पासवान अपनी माता को इस सीट पर दिलवाना चाहते हैं जगह। उनका ये मानना है कि अगर सीट खाली लोक जनशक्ति पार्टी की हुई है तो लोक जनशक्ति पार्टी के पास ही रहनी चाहिए और वो चाहते हैं कि उनकी माँ यहाँ से चुनाव लड़ें और उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल विधानसभा चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान ने निभाई उससे उनकी थोड़ी सी छवि एनडीए में निगेटिव बनी है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है उनका ये मानना है कि चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे, हालांकि वो ये लगातार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी मेरे पिता समान हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो मेरे राम हैं, मैं उनका हनुमान हूँ और मेरा सीना चीर कर देख लीजिए, आपको उनकी छवि ही इसमें नज़र आएगी। वो इस तरह की बातें ज़रूर कहते रहे लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में उनके प्रति नाराज़गी है। बीजेपी का मानना है कि अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए का पार्ट रही होती तो बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ ये सरकार बन सकती थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो बीजेपी का फ़ायदा लोक जनशक्ति पार्टी ने कराया अकेले चुनाव लड़कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी खुश होगी। बीजेपी तो ये चाह रही होगी कि उनकी सीटें कुछ और अधिक आती, हो सकता है कि पासवान अगर बीजेपी के साथ मिल जाते तो कुछ सीटें बीजेपी की और बढ़ती और बीजेपी शायद अकेले सरकार बनाने की पोजीशन में भी पहुँच सकती थी। तो ये सब चीज़ें बन रही थी और अब स्थिति ये बन रही है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या नहीं। देखिए, रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सामने दो बड़े अहम सवाल हुए। केंद्र में मंत्री थे रामविलास पासवान और
उनके स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और चिराग पासवान से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है। और मंत्रिमंडल का बदलाव जो है वो कई महीने से टलता आ रहा है, पहले कोरोना काल की वजह से, फिर उसके बाद उपचुनाव आ गए और बिहार का चुनाव आ गया, और अभी हाल ही में जब उपचुनावों में और बिहार के चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है, तो अब ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले पहले मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नाम चल रहे हैं जिन पर मैंने अलग अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल ये है कि अगर यहाँ पर चुनाव की स्थिति बात होगी तो यहाँ पर बीजेपी को अगर इस उपचुनाव में अगर दूसरे दल भी प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी भी प्रयास करेगी और उसकी अलाइज कांग्रेस भी उसके साथ रहेगी, और अगर यहाँ पर दूसरे दल भी प्रत्याशी उतारते हैं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर उन्हें सीधे सीधे ये चुनाव जीतना है तो बीजेपी को भी जेडीयू का सपोर्ट ज़रूर चाहिएगा, तभी वो ये सीट निकाल पाएंगे। और जेडीयू नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान के नाम पर वो बीजेपी का साथ दे, वो नहीं, जेडीयू बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोक जनशक्ति पार्टी का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बनकर यहाँ से जाए, क्योंकि उन्होंने तो खुलेआम जेडीयू की खिलाफत की, लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोला, ये सब चीज़ें उन्होंने की और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, और जनता दल यूनाइटेड कम से कम उन्हें समर्थन तो नहीं दे पाएगी। और एनडीए ने सीटों के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजा था, मैं आपको बताऊं, और केंद्र में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में के साथ एलजेपी और जेडीयू दोनों ही गठबंधन में हैं, लेकिन बिहार में अब एलजेपी कायदे से एनडीए का घटक दल नहीं है, और एलजेपी ने जो है अपने प्रत्याशी उतारे थे, ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। एलजेपी नहीं तो फिर किसके पास जाएगी ये सीट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू व बीजेपी दोनों ही सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, और विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई बनकर उभरने वाली बीजेपी के साथ जेडीयू भी सीट पर दावेदारी हो सकती है। जो भी हो, इतना तो तय है कि यह उपचुनाव एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसके साथ केंद्रीय स्तर पर एनडीए में एलजेपी की स्थिति भी तय हो जाएगी कि उनकी क्या औकात है, और एनडीए अगर एकमत नहीं हुआ तो विपक्ष की भी लाटरी लग सकती है। ये सारे समीकरण बहुत ही दिलचस्प हैं, और इस सीट पर बड़ा टेक्निकल चुनाव होने जा रहा है, और ये सीट किसी के पास भी जा सकती है। अगर एनडीए एक नहीं हुआ, जेडीयू बीजेपी सब एक नहीं हुए, तो फिर ये सीट जा सकती है विपक्ष के पास, और ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत उनको हो सकती है। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये राज्यसभा की सीट एलजेपी के पास नहीं जाएगी, ये हो सकता है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, एमओएस वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चिराग पासवान की स्थिति थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, और इस स्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। अब उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की थी, और क्या वो इस अपनी गलती के बावजूद जो परिणाम आया उससे वो संतुष्ट हैं, इन सब बातों को उन्हें सोचना होगा। फिलहाल तो चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, इस पर मुझे लगता है कि हमें आगे भी कुछ वीडियो लाने होंगे, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पर हमने पूरी सीरीज पूरे साल चलाई हैं, 30-32 उसके एपिसोड हैं, आप देख सकते हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है, वो भी आप देख सकते हैं। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे बिहार की इस सीट के उपचुनाव पर। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।